खबर, उत्तर प्रदेश अयोध्या से। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की सर्किट हाउस में चल रही आंशिक बैठक समापन हुई। ये बैठक निर्माण समिति के चेयरमैन निपेन मिश्रा अध्यक्षता में चली। इस बैठक में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट महासचिव चंपत राय व कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज और अन्य सदस्य के साथ साथ L&T टाटा कंसल्टेंसी के इंजीनियर भी मौजूद रहे। सर्किट हाउस में बैठक समापन होने के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि राम मंदिर निर्माण की प्रगति पर चर्चा हुई। भगवान श्री राम लला का प्रणाम प्रतीत विग्रह किस पत्थर का बने उस पर चर्चा हुई। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी जी महाराज ने बताया कि इस बैठक में उड़ीसा कर्नाटक में महाराष्ट्र से मूर्ति कला के 3 विशेषक आमंत्रित किए गए जो कि राम लला के स्वरूप व रंग रूप के साथ अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा बैठक में इन विशेषकों की कमेटी बनाई जाएगी। वही बताया कि संस्था की महाशय की राम लला का विग्रह सम्मान और उत्तम हो इसके साथ श्रद्धालु इससे श्रद्धा के साथ जुड़े सके। इस दौरान कांग्रेस के राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का दोनों ने किया समर्थन किया। उन्होंने कहा राष्ट्रवाद व राम के नाम पर चल रही यात्रा का समर्थन असाधुवाद है। चंपत राय ने कहा कि एक लड़का चल रहा है पैदल तो उसकी सराहना होना चाहिए। बता दें राम जन्मभूमि के ट्रस्ट बोर्ड की बैठक मणिराम रामदास छोनी में शुरू होगी। वहीं 5 तारीख को मंदिर निर्माण समिति की बैठक हुई। राम मंदिर ट्रस्ट की 3 दिवसीय बैठक आयोजित की गई है। राम जन्मभूमि के ट्रस्ट बोर्ड की बैठक है कल, वो 3 बजे होगी शुरू। मणिराम दास छावनी 5 तारीख को मंदिर निर्माण समिति की बैठक है, वो कहाँ होगी ये कल तय करेंगे। किन किन विषयों पे चर्चा होगी, किन किन बातों इस बैठक में? ट्रस्ट की बैठक एक रूटीन काम है, लेकिन इंजीनियरिंग में जितनी बातें होती हैं वो जो चल रहा है उसकी प्रगति और इसके बाद क्या होना है उसकी चर्चा ज़्यादा होती है। अभी भगवान का प्राण प्रतिष्ठित किया जाने वाला विग्रह किस पत्थर का बने, कैसा बने, उसका चेहरा मोहरा कैसा हो, उनका पोस्चर कैसा, देश के कौन ख्याति नाम लोग हैं जो इस काम को अपने हाथ में ले सकते हैं, इसकी चर्चा और इसी पर ज़्यादा विचार होगा। तो क्या कमेटी कोई बनाडिशन में बनेगी? अभी तो हम सब बैठे हैं, हम ही कमेटी हैं। अभी हम यहाँ पर मैं भी धन्यवाद करूंगा। एक नौजवान पैदल चल रहा है देश में, प्रशंसनीय बात है, इसमें खराब बात क्या है? आलोचना किसने की है? मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ, संघ में किसी ने आलोचना की है क्या? प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके पदयात्रा की आलोचना की है क्या? एक नौजवान देश का भ्रमण कर रहा है, देश को समझ रहा है, ये प्रशंसा की बात है। 50 साल का नौजवान हिंदुस्तान के 3000 किलोमीटर दूरी को पैदल चलेगा और इस मौसम में भी चलेगा, तो इसको अप्रिशिएट ही करेंगे हम। तो आप यात्रा का स्वागत करते हैं? यात्रा का स्वागत नहीं, यात्रा हो रही है। मैं तो कहता हूँ आप सबको महाराष्ट्र से 3 अत्यंत श्रेष्ठ विशेषज्ञ जो मूर्ति कला के हैं वे इस समय यहाँ पर आहूत थे और भगवान रामलला का स्वरूप किस प्रकार का होना चाहिए, किस ऊंचाई की वो प्रतिमा बननी चाहिए और कैसे कैसे उसके सारे रंग रूप फीचर्स कैसे होने चाहिए, इन बातों की चर्चा हम लोगों की चली है। ये चर्चा अभी प्रवाह में है, निश्चित कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन हम चाहते ये हैं कि वह सर्वमान्य हो, उत्तम से उत्तम हो और सब लोगों की श्रद्धा उसके साथ जुड़ जाए। इस प्रकार भगवान का स्वरूप हम लोग वहाँ पर स्थापित करें। ऐसे मूर्तकारों कोई कमेटी बनाई गई है? अभी कमेटी नहीं बनी है, लेकिन हमने उनको परामर्श के लिए बुलाया है। अभी कल हम लोग बैठेंगे और विधिवत उसकी कमेटी बनने की संभावना। सर अब तक मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं आपको ये बताने के लिए सक्षम नहीं हूँ कि
आज की स्थिति उसकी क्या है, लेकिन प्रचुर मात्रा में दान का फ्लो चालू है इतना बतला सकता हूँ। मैं आकर के सीधा बैठक में पहुँचा हूँ, अभी मुझे मेरे अकाउंट्स देखने पड़ेंगे, कल आप पूछेंगे तो मैं आपको एक आखिरी सवाल महाराज जी, कल सायंकाल राम जन्म और संत तमाम कर रहे हैं आप, राम जी का नाम लेकर के और भारत माता का नाम लेकर के कोई भी कुछ काम करता है वो कोई भी हो, हम तो उसकी सराहना ही करेंगे और यही कहेंगे कि भगवान श्री राम उनकी बुद्धि में वही प्रेरणा दे जिससे राष्ट्र एक बना रहे, समर्थ बना रहे, समरस बना रहे और विश्व का मंगल करता है। उनकी यात्रा ही भारत जोड़ो है नाम है। हाँ तो अच्छी बात है, जोड़ने का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन भारत जोड़ो ये नारा अच्छा है और तो भारत जुड़ना ही चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।